गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सर अच्छे हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर इंटरव्यू प्रैक्टिस के लिए आए हैं। यस सर। तो कुछ सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपको उसके जवाब हमें देने होंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज, आप लोग अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। सर मेरा नाम अभिषेक चौहान है जी। मेरे पिताजी का नाम रमाकांत चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से बिलोंग करता हूँ। मेरे गांव का नाम पाहिज में पाही है। मेरा जो क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन तक है जी। हाँ सर, और कुछ? सेफ्टी में आपने कहा था पढ़ाई करिए, क्या पढ़ाया आपने? सर मैं मऊ जिले के घोसी नामक स्थान से, बिकमा एकेडमी एक संस्था है, वहाँ से मेरा पीजी डिप्लोमा चल रहा है। ठीक है, आप सर अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर माय नेम इज साजान खान, माय फादर नेम इज जियाउद्दीन खान, आई लिव इन घोसी डिस्ट्रिक्ट मऊ। मैं अभी इस वक्त घोसी के विक्रमा एकेडमी से डिप्लोमा इन फायर एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट कर रहा हूँ। मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ तो आप लोग सेफ्टी ऑफिसर की प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं। यस सर। ठीक है, चलिए। तो जैसा आप जानते हैं, ये जो आप सेफ्टी जिस फील्ड की आप बात कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल सेक्टर होता है। यस सर। इसमें लापरवाही की गुंजाइश नहीं होती है। यस सर। तो सबसे पहला सवाल ये है कि सेफ्टी क्या होती है? आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस फील्ड के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को, तो सेफ्टी का मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाएंगे? सर ये सुरक्षा होता है, सेफ्टी का मतलब, ये सुरक्षा हम किसको देते हैं, कैसे देते हैं, ये इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे जो पीपल होते हैं और जो प्रॉपर्टी होती है या जो वहाँ का एनवायरनमेंट होता है, उसको हम सुरक्षा देने के लिए सेफ्टी का कार्य करते हैं। ठीक है, आपका इस बारे में क्या सोचना है? सर सेफ्टी वर्क प्लेस पे हमको तीन ही चीज को सेफ्टी देना है, उनकी सुरक्षा करना है, पीपल, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट, इन्हीं तीनों को सेफ करना है, इसी को सेफ्टी बोलते हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कि आपने इनको प्रोटेक्ट आपने करना है, आपको आप कर रहे हो। तो सवाल आता है कि अगर आप वर्क प्लेस पर जाते हैं तो ये तो पता होगा ना भाई कि आपको करना है एक्चुअल में। तो अगर मैं सीधा सवाल पूछूं तो एक सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक सेफ्टी ऑफिसर की, कुछ आइडिया बताइए। सर जब हम सेफ्टी ऑफिसर के तौर पे किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे जो उसका सेफ्टी पॉलिसी होती है, वहाँ पे वर्क प्लेस पे उसे लागू हम करवाते हैं। ठीक। क्योंकि वो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उसे लागू करवाएं, और जब भी जो भी कार्य स्टार्ट होना होता है, उसके क्या हजार या क्या प्रिकॉशन लेना है, वो हमें वहाँ पे बताना रहता है, और जो भी कार्य चल रहा है उसके लिए हमें परमिट लेना बहुत ही अनिवार्य होता है, विदाउट परमिट का कार्य नहीं करवाना चाहिए। और जो भी वहाँ पे मतलब कार्य चल रहा है उसका हमें इंस्पेक्शन करना चाहिए, और उसका ऑब्जर्वेशन के लिए हमें रिकॉर्ड शीट बना के रखना चाहिए। यानी इंस्पेक्शन वगैरह करना है, रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना है, पॉलिसीज वगैरह देखना है, ये सारा काम होता है। ठीक है, जब आप जाते हैं वर्क प्लेस पर सर, तो जब काम स्टार्ट होता है तो उस समय का ट्रेनिंग वर्कर्स को दी जाती है, हम लोग जिसे बेसिकली टीबीटी या टीबीएम यानी टूल बॉक्स टॉक या टूल बॉक्स मीटिंग कहते हैं, ये क्या होता है, कुछ आइडिया है इसका आपको? सर ये किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में दी गई जानकारी, उस काम के खतरे के बारे में, उस काम से बचाव के बारे में, क्या खतरे हैं, क्या बचाव हैं, उस बारे में जानकारी दी जाती है, उसे ही टीबीटी बोलते हैं, टूल बॉक्स टॉक। ठीक है, एक सवाल और टीबीटी से कि ये टीबीटी दी कब जाती है? कार्य स्टार्ट होने से पहले टीबीटी दी जाती है। जैसे शिफ्ट, जैसे मान लीजिए कि दिन में दो शिफ्ट चल रहे हैं, तो टीबीटी कितनी बार हो सकती है ज्यादा से ज्यादा? अगर जितना बार अगर शिफ्ट चेंज होगी उतना बार हमें टीबीटी कंडक्ट करवाना रहेगा। ठीक है, चलिए। वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है। यस सर। आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये एक्सीडेंट है या नहीं है? एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या होती है आखिर? सर एक्सीडेंट जैसे कि मान लीजिए कोई अनप्लांटेड या अनवांटेड, जैसे अचानक कोई घटना घटी है, ठीक
ठीक है, जिससे कि वर्कर है उसे पर्सनल इंजरी आ गई, या जो प्रॉपर्टी है उसको लॉस हो गया, या फिर एनवायरनमेंट जो होता है उसमें अगर किसी प्रकार का डैमेज हो गया तो एक्सीडेंट कहलाता है। एक्सीडेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, क्या कैटेगरीज है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे? एक्सीडेंट को सर दो कैटेगरीज में बांटा गया है, फैटल और नॉन फैटल। ओके, फैटल को भी दो कैटेगरीज में बांटा गया है और नॉन फैटल को भी दो कैटेगरी। ठीक है, फैटल की जो दो कैटेगरीज है वो है मेजर और डिजास्टर, और नॉन फैटल की जो दो कैटेगरीज है वो माइनर और मॉडरेट। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। अब आते हैं थोड़ा सा वर्क रिलेटेड चीजों पर। जब आप काम करते हैं तो वर्क एट हाइट का काम होता है। यस सर, वर्क एट हाइट पे काम करने के लिए ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्काफोल्ड का। स्काफोल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या कंपोनेंट्स होते हैं स्काफोल्ड के? उसके सर मेनली हम कुछ जानते हैं, जैसे कि उसमें स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, लेजर होता है, उसमें गॉडरेल लगा होता है जिसमें टॉपरेल आता है, मिडरेल आता है, वर्किंग प्लेटफार्म होता है, टॉपबोर्ड लगा रहता है, ट्रांसम होता है, ब्रेसिंग होता है, बेस प्लेट होता है, सोल बोर्ड होता है, मड सील होता है, कपलर एंड फिटिंग होता है, और आउटरिगर लगा रहता है। ठीक है, बहुत अच्छा। आपको बताइए सर, एक स्काफ होल्ड में जो टॉपरेल होता है उसकी हाइट कितनी होती है, वर्किंग प्लेटफॉर्म से उसकी हाइट कितनी होती है? उसकी हाइट 35-42 कुछ इंचेस। ठीक है, और मिडरेल का? मिडरेल का 19.5-22। ठीक है, चलिए। टॉप बोर्ड की चौड़ाई कितनी होती है, वर्ड कितना होता है उसका? सर 14 इंच का होता है। 14 इंच उसकी लंबाई चौड़ाई होती है या हाइट, क्या वो क्या सेंस है? सर 14 इंच चौड़ा होता है सर। नहीं है, करेक्ट करेंगे इसको। कबूतर की चौड़ाई कितनी होती है? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए वर्कप्लेस पर एक्सीडेंट हुआ है, सीधी बात है, एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन क्यों हो, क्यों इन्वेस्टिगेशन करें हम? इसलिए कि वहां पे जैसे जो भी एक्सीडेंट हुआ हो वो भविष्य में कभी ना हो, इसके लिए हम सर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उसमें क्या मतलब किस कारण वो घटना हुई है, उसको हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा उसको देखते हैं कि क्या क्या वहाँ पे घटा है, किस कारण ये घटना घटी है, उसका पूरा हम डेटा शीट बनाते हैं ताकि वो दोबारा कभी घटना ना घटे। ठीक है, हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल के बारे में आपने सुना होगा, ये हायरार्की ऑफ रिस्क कंट्रोल होता क्या एक्चुअल में? सर ये एक मेथड है जो क्या बोलते हैं, हजार्ड को कंट्रोल करने का एक मेथड है। बहुत अच्छा, क्या है इसमें थोड़ा समझाएंगे? सर एलिमिनेशन, जैसे या तो खतरे को समाप्त किया जाए या सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का आप इसमें बेसिकली पांच होते हैं। पहला आपका हो गया एलिमिनेशन, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा इंजीनियरिंग कंट्रोल, चौथा एडमिनिस्ट्रेटिव, पांचवा होता है रिपीज। इनका सीक्वेंस हमेशा बना रहना चाहिए, अगर सीक्वेंसेस टूटते हैं तो फिर दिक्कत है, क्योंकि हायरार्की का सेंस ही होता है जो जितना टॉप पे होगा उतना पावरफुल होगा या उतना इफेक्टिव होगा, जितना नीचे होगा या उतना कम इफेक्टिव होता है। यस सर, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। परमिट का सवाल आता है, परमिट कितने टाइप के होते हैं? परमिट बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, एक हॉट वर्क परमिट और एक कोल्ड वर्क परमिट। हॉट वर्क के एग्जांपल्स देंगे थोड़ा? हॉट वर्क में सर आपका वेल्डिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, ये सब आपका हॉट वर्क। ठीक है, कोल्ड वर्क एग्जांपल कुछ? ये इन कामों को छोड़कर बाकी जितने भी काम आते हैं सारे कोल्ड वर्क में आते हैं, जैसे कि आपका एक्सकैवेशन,
डिमोलेशन, वर्क एट हाइट, स्कैफोल्डिंग, जो भी काम है सारे कोल्ड वर्क में आते हैं। ठीक है, हॉट वर्क की डेफिनेशन क्या है, कैसे कहेंगे कि हॉट वर्क है या ये कोल्ड वर्क है, डेफिनेशन सर? अगर जैसे कि हॉट वर्क का डेफिनेशन होता है कि अगर कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें से अगर चिंगारी या फिर हीट या स्पार्क अगर इसमें से निकल रहा है तो सर वो हॉट वर्क कहलाता है। ठीक है, फायर के बारे में आपने पढ़ा, आपने मेंशन किया कि आप फायर और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर रहे हो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फायर की डेफिनेशन क्या होती है। यस, बताइए। यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल इन तीनों से मिलकर बनता है जिसको हम फायर कहते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि आग लगी हुई है। यस सर। आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज करोगे, किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए क्या मेथड होता है, प्लस आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। सर, फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का मेथड है जो वो पास मेथड है, जिससे जिसको जिसके ऊपर के हम फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। पास सिस्टम को थोड़ा सा डिफाइन करिए। पास सर, पास में पी का वो है पुल द एम, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एस स्विज और स्विज और इसको स्वीप, स्क्वीज एंड स्वीप। ठीक है, ये तो मान लेते हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने का तरीका है। yes. इस्तेमाल करने से पहले क्या फायर एक्सटिंग्विशर में कुछ चीजें जो आपको ध्यान देनी चाहिए? yes. क्या है? जो भी उसका प्रेशर गेज होता है वो देखना चाहिए कि हमारा सही है कि नहीं सही है। वो जब भी देखते हैं कि वो मतलब उसमें कलर होता है, अगर वो हरे पे है तब वो जाके अच्छी कंडीशन में है, अगर उससे नीचे है तो वो खराब है। ठीक है, यानी कि अगर ओवर चार्ज या डिस्चार्ज है तो इश्यूज है, बाकी अगर प्रेशर उसमें मेंटेन है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात। मान लेते हैं किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आग लगी हुई हो, तो उसके लिए कौन से फायर एक्सटिंग्विशर्स आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, किसी दो के नाम बताइए। सर, एक तो DCP, ओके, ट्राई केमिकल पाउडर, एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, CO2 का एक और नाम है, आप केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, तो CO2 का एक और नाम दिया गया, क्या नाम है उसका? बहरहाल ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग ड्राई आइस। ड्राई, तो प्रॉब्लम ये होता है कि ठंडी चीजों से भी व्यक्ति कहाँ जल सकता है। yes. तो आप देखेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर जो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, उनकी जो पाइप या होज जो होता है उसमें एक अलग से कीप के आकार का स्ट्रक्चर उसमें लगा हुआ होता है। yes. ठीक है, चलिए, आपने बोला कि सर वर्क एट हाइट वगैरह भी कोल्ड वर्क में आता है, आपने ऐसा मेंशन किया, तो बताएंगे वर्क एट हाइट की डेफिनेशन क्या है? अगर वर्क एट हाइट की डिफिनेशन सर, ओसा स्टैंडर्ड के अनुसार अगर 1.8 मीटर की ऊंचाई पे अगर कार्य हो रहा है तो वर्क एट हाइट में आता है सर। ठीक है, ओसा यानी कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। यस सर। चलिए, बहुत अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है। इसमें आता है एक हैंड टूल और पावर टूल्स होते हैं। जैसे कि आपका हैमर हो गया और ये स्क्रू ड्राइवर और प्लास बोलते हैं और रिंच विंच, मतलब बहुत सारे ऐसे डिवाइस, ये सब हैंड टूल्स में आता है। और पावर टूल्स जो बिजली या बैटरी के से चलते हैं वो पावर टूल्स, एग्जांपल की आपकी ड्रिल मशीन हो गई और स्क्रू गन हो गई। ठीक है, और भी मशीन से सर। ठीक है, पावर टूल्स। ओके,
लिफ्टिंग के काम के बारे में कुछ आइडिया? लिफ्टिंग में एक डिवाइस यूज की जाती है एनेमोमीटर, ये क्या है, क्या काम करते हैं एनेमोमीटर? ये सर जो हवा और जो अन्य गैसें होती हैं उनको मापने के लिए सर इसका यूज किया जाता है, जैसे कि दबाव वहाँ पे कितना है या फिर वहाँ की हवा कितनी तेज चल रही है, उसके लिए सर यूज करते हैं एनेमोमीटर का। आप सर एनेमोमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो क्रेन के बूम पे लगाई जाती है और इसका यूज हवा की रफ्तार और हवा की दिशा चेक करने के लिए किया जाता है। मिली विंड प्रेशर और विंड स्पीड ये बताता है, ठीक है, वन डायरेक्शन वगैरह की वो डिवाइस नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लोटो के बारे में आप जानते होंगे, लोटोटो बेसिकली जिसे हम लोग बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? लैग आउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट। लैग आउट, लॉक आउट, टैग आउट, ट्राई आउट। ठीक है, चलिए ये किसका इसका फंक्शन कैसे है, कुछ आइडिया कैसे काम करता है? सर ये किसी भी लाइव इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम करने के लिए, काम करने से पहले उसको लॉक किया जाता है, वही आपका लॉक आउट सिस्टम होता है, लॉक आउट टाइम। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, आपका इंटरव्यू ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी उम्मीद करते हैं कि आप अपने भविष्य को और बेहतर बनाएंगे। Thank you so much. Thanks. Thank you.